क्लास में जैसे हमने कहा था कि क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो शुरू करते हैं उसको। क्वेश्चन हमारे पास, ए बॉडी स्टार्ट्स मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 4 सेकेंड, ऑल्सो कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। कह रहा है एक बॉडी जो है मूव कर रहा है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड है, 50 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन इज हाउ मच, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। चलो, कह रहा है कि कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा 4 सेकेंड में, कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा 4 सेकेंड में, ठीक है ना। और साथ साथ ये भी पूछा गया है कि एवरेज स्पीड इसकी क्या होगी। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी गिवेन है, एक्सेलरेशन गिवेन है, टाइम गिवेन है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, मतलब डिस्टेंस पूछा है, तो क्या निकाल दे, सेकेंड इक्वेशन में मोशन लगा दे। देखो, 9th क्लास के अंदर जो है अक्सर डिस्टेंस टर्म यूज किया है, स्पीड का टर्म यूज किया है, किसके लिए, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के लिए, समझ में आ गई बात है। चलो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से देखो यू कितना है 50, ए कितना है 4, प्लस हाफ इंटू 20 इंटू 4 का स्क्वायर, इंटू 4 का स्क्वायर, या व्हाट यू विल गेट 200, प्लस दैट विल बिकम 10, और यहां से क्या हो जाएगा 16 इंटू 10, 160, 160 फ्रॉम हेयर द रिजल्ट विल बिकम 360 मीटर। ठीक है, 360 मीटर, ठीक है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, इन्हीं के हिसाब से चले, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 360, 360 डिवाइडेड बाय 4, व्हाट यू विल गेट, 4 9 36, दैट इज 90 मीटर पर सेकेंड, व्हाट यू विल गेट, 90 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना हो जाएगा, 90 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 90 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट के लिए रुको, हम इसको चार्ज में लगा दें। ठीक है, कितना हो जाएगा, 90 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, ये है सॉल्यूशन आपका, दोबारा से यहां पर भी देख सकते हैं आंसर कितना है, 360 और 90। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए बॉडी इज मूविंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, ए बॉडी इज मूविंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड व्हेन सर्टेन फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज प्रोड्यूस्ड, पर सेकेंड स्क्वायर इधर लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है, पर सेकेंड स्क्वायर इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर हाउ मच टाइम इट्स वेलोसिटी विल बी 80 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर हाउ मच टाइम इट्स वेलोसिटी विल बी 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कह रहा है एक बॉडी है उसके ऊपर कोई फोर्स लगाया गया जो कि पहले से 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, ठीक है ना, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया गया जिसकी वजह से इसकी स्पीड बढ़ करके 80 मीटर पर सेकेंड हो गई विद एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड वाज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये फोर्स जो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया था जिसकी वजह से वेलोसिटी 20 मीटर से 80 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो कह रहा है कि ऐसा होने में कितना टाइम लगा होगा, कितना टाइम लगा होगा, ठीक है ना।
तो हमें फाइनल एक्चुअली क्या चाहिए, टी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कर दें, अप्लाई कर दें, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वी कितना है 80, यू कितना है 20, एक्सेलरेशन कितना है 4 इंटू टी, वॉट यू विल गेट 80 माइनस 20 दैट विल बिकम 60 बाय 4 दैट विल बिकम 15 सेकेंड। कितना हो जाएगा 15 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा आंसर इसका 15 सेकेंड। ठीक है चलो, ठीक है, हम ये कह सकते देयर फोर आफ्टर 15 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी 80 मीटर पर सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन कुछ कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू नहीं पता है, ठीक है ना, ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एस वन इन फर्स्ट 10 सेकेंड, जीरो से लेकर 10 सेकेंड तक में, मतलब इसको टी वन कह लो, ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है एस वन, ठीक है, और नेक्स्ट 10 सेकेंड में, मतलब 10 से लेकर 20 सेकेंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है एस टू। ठीक है, समझ में बात है कि नहीं, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है एस टू, ठीक है ना, तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन एस टू एंड एस वन। ठीक है, तो पहले तो मैं एस वन निकाल लूं 0 से 10 के लिए, तो मतलब यहां पर एस वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, एस वन इक्वल टू यू टी, यू टी, यू कितना है, यू कितना है 0 है, प्लस हाफ हाफ ए इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है, दैट विल बिकम 50 ए, दैट विल बिकम 50 ए। जो सेकेंड पार्ट है उसमें, जो सेकेंड पार्ट है उसमें वो क्या क्या है, 10 से 20 तक का दिया टाइम, 10 से 20 तक का टाइम दिया है, तो इसको अब दो तरीके से निकाल सकते हैं इस एस टू को, या तो एक काम करो 0 से लेकर 20 तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, बीच में कहीं क्या आया होगा 10 आया होगा, जिसमें ये वैल्यू क्या है एस वन है, ठीक है, जो कि पहले कवर कर चुका है, इसको मैं कह दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए एस, तो इस एस में से एस एस वन को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा एस टू आ जाएगा, समझ बात है, तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि एक्चुअली जो एस है वो एस वन प्लस एस टू है ना, तो सीधा मैं लिख रहा हूं एस इक्वल टू यू टी, यू तो इनिशियली क्या है 0 है, प्लस यू टी तो 0 है, प्लस हाफ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन टी का स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर, कितने का स्क्वायर 20 का स्क्वायर। तो एस तो क्या है बेसिकली हमारा एस वन प्लस एस टू है, एस वन प्लस एस टू इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा कितना 400 बाय 2, यानी कि 200 ए, ठीक है, कितना है 200 ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं सर 4 इंटू 50 ए, 4 इंटू 50 ए, और 50 ए किसके बराबर है एस वन के बराबर है, तो फ्रॉम हेयर यू विल गेट एस वन प्लस एस टू, एस वन प्लस एस टू इक्वल टू 4 टाइम्स एस वन, तो यू विल गेट एस टू इक्वल टू 3 S1, एस टू इक्वल टू 3 टाइम्स S1, एस टू इक्वल टू 3 टाइम्स S1, ठीक है, तो एस टू किसके बराबर हो जाएगा 3 टाइम्स S1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो एस वन एस टू का रिलेशन सॉल्यूशन देख लो, ठीक है, हमारा भी यही आया था 50 ए 200 ए, कितना आ जाएगा एस टू माइनस एस वन, इज इन्होंने माइनस करके किया है, हमने प्लस कर दिया सीधा, वही आएगा एस टू इक्वल टू 3 टाइम्स S1, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, ओहो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन इज मूविंग विद वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड, ट्रेन इज मूविंग विद वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड, विद एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स रिटार्डेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी थी कितनी, 400 मीटर पर सेकंड। ब्रेक अप्लाई करने की वजह से जो रिटार्डेशन है तो क्या लिखेंगे, माइनस, एक्सेलेरेशन कितना है, माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। कह रहा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल स्टॉप, कितना टाइम लगेगा इसको स्टॉप होने में। तो स्टॉप जब होता है तो एक्चुअली वी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा क्या, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉप, और स्टॉप होने से पहले कितना डिस्टेंस ये कवर कर चुका होगा। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो फर्स्ट इक्वेशन में मोशन लगा दें, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वी कितना है हमारा, जीरो, यू कितना है, 400, ठीक है ना, 400 माइनस का 10 इंटू टी, यहां से कितना आ जाएगा, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, टी कितना हो जाएगा, 40 सेकेंड, कितना हो जाएगा, 40 सेकेंड, ठीक है। टी कितना हो जाएगा, 40 सेकेंड। अब हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो या तो सेकेंड इक्वेशन लगा दो या थर्ड, तो थर्ड लगा दे, थर्ड मैंने बहुत देर से नहीं लगाया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, 2as, तो v तो जीरो है, u कितना हो जाएगा, 400 का स्क्वायर यानी 1600, 1600 सॉरी 16 पे 40 प्लस 2a इज हाउ मच, -10, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, s, यहां से कितना हो जाएगा, -1640 160,000 डिवाइडेड बाई -20, दैट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से हो जाएगा ये खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 8 16 यानी 8,000 मीटर। तो एस कितना हो जाएगा हमारा, एस कितना हो जाएगा, 8,000 मीटर, यानी कि हम कह सकते हैं ये 8 किलोमीटर है, कितना है, 8 किलोमीटर है। कोई सेकेंड इक्वेशन में मोशन भी चाहे तो लगा सकता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो यू कितना है, 400, ठीक है, और टी हमने निकाला है कितना, 140 माइनस हाफ, जी कितना है, 10, टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600, ठीक है। फ्रॉम हेयर यू विल गेट 16,000 माइनस 16, कैंसिल करने से कितना हो जाएगा, 8,000। फ्रॉम हेयर यू व्हाट यू विल गेट, 8,000 मीटर, जो कि इनडायरेक्टली इतना ही है, ठीक है ना। चलो जी, यहां से देख सकते हो आराम से कितना आंसर है, 8 किलोमीटर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ए बॉडी वॉज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड तो ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो मैंने क्या कहा था, या तो इक्वेशन डायरेक्टली यूज करो या साइन ऑफ कन्वेंशन का यूज करो, ठीक है। तो मैं इक्वेशन के हिसाब से ही कर दे रहा हूं, तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी है तो कितना हो जाएगा, 19.6 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, सॉरी इधर लिख दे, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जी कितना लेंगे, जी कितना लेंगे, इफ जी इज -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो क्वेश्चन के अंदर गिवेन है कि जी कितना है, -9.8 है, इसका मतलब ये गिवेन है कि हम साइन ऑफ कन्वेंशन से चले तो ज्यादा बेटर है, समझाई बात है। चूंकि जी ऊपर फेंक रहा है, जी निगेटिव मान रहा है, समझाई बात है, मतलब ऊपर ये पॉजिटिव मान रहा है और नीचे क्या मान रहा है, निगेटिव मान रहा है, ठीक है ना। तो u ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव ही ले लें,
एक्सेलरेशन कितना ले लें, मान के जी कितना ले लें, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉडी, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉडी। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट कितना होता है, यू स्क्वायर बाय 2g, अगर याद हो तो कितना होता है, एच इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। ठीक है ना, एच इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g, ये तुम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, एक वैल्यू निगेटिव है तो यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2g। खैर, तो यू की वैल्यू कितनी हमारी, 19.6, तो मतलब 19.6 इंटू 19.6, चूंकि स्क्वायर है 19.6 स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8, 2 इंटू 9.8, तो 9.8 का डबल कितना हो जाएगा, मतलब इसका देखो ये डबल है और 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा, 19.6 मीटर, कितना हो जाएगा, 19.6 मीटर। अब कह रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल बैक टू द ग्राउंड। ठीक है, इट विल बैक टू द ग्राउंड। ठीक है, हमने पीछे देखा था कि जाने में जितना टाइम लगता है आने में भी उतना ही टाइम लगता है, तो यहां से यहां तक जाने का टाइम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से देखो तो क्या है, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। ठीक है, चूंकि एक्सेलेरेशन निगेटिव है तो यहां से टी क्या हो जाएगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा यहां पर जाकर के, तो कितना है यू बाई जी। लेकिन ये क्या पूछा है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब यहां से यहां से यहां गया और वापस आने में कितना टाइम लगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये रिजल्ट चाहो तो याद रख सकते हो कितना होता है, 2u/g, क्योंकि जाने का टाइम और आने का टाइम बराबर होता है, तो 2 इंटू 19.6 डिवाइडेड बाय 9.8, दैट विल बिकम 2 टाइम 2 इंटू 2 व्हाट 4, दैट विल बिकम 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 4 सेकेंड। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन यहां पर दिया हुआ है, 4 सेकेंड है और जाने का टाइम इन्होंने बारी बारी से निकाला है, यहां पर वैल्यू अगर पुट कर दोगे तो कितना आएगा, 19.6 डिवाइडेड बाय 9.8। ठीक है, ये हो जाएगा 2, मैंने ये कॉन्सेप्ट इसी पे अप्लाई कर दिया, ये क्या ना, इन द सेम टाइम इट विल कम बैक। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 490 मीटर ए शेल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो बहुत अच्छा है, इनको समझने की कोशिश करना और एक नई चीज सीखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, कह रहा है कि एक टावर है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 490 मीटर, 490 मीटर ए शेल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली, एक शेल जो है हॉरिजॉन्टली फायर किया गया, एक शेल जो है क्या किया गया, हॉरिजॉन्टली फायर किया गया, ऐसे क्या किया गया, हॉरिजॉन्टली फायर किया गया विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर द शेल विल हिट द ग्राउंड, मतलब कितने दूर जा करके ये ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है, ये सवाल है ऐसा कुछ। देखो, इस तरह के सवाल में हमेशा वेलोसिटी जो है इसको दो पार्ट में बांटने हैं, एक तो देखना है नीचे की तरफ इनिशियल वेलोसिटी कितनी, फाइनल वेलोसिटी कितनी। ठीक है, तो मतलब एक वाई एक्सिस के लॉन्ग और एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, हमेशा दो तरफ इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है तब आएगा। ठीक है ना, तो अब जरा गौर करो कि ये यहां से यहां आने में एक्चुअली इस डिस्टेंस को भी ट्रेवल किया है, तो ये वाली जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उन्होंने वाई के एलोंग जो वेलोसिटी है उससे किया है। ठीक है, और ये वाली जो वेलोसिटी है, ये जो डिस्टेंस कवर किया इन्होंने एस, ये वाला वो ट्रेवल किया है कितने से, 100 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है ना, समझ आई बात है, तो हम दो काम करेंगे, एक बार लगाएंगे वाई के एलोंग और एक बार लगाएंगे एक्स एक्सिस के एलोंग, ऐसे सवाल में हमेशा याद रखना। तो अब देखो, क्या इस ऑब्जेक्ट के पास इनिशियली वाई एक्सिस के लॉन्ग कोई वेलोसिटी थी, तो नहीं,
तो क्या कहेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है। समझा गई बात है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, ठीक है ना। वी वाई हमें पता नहीं है, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। लेकिन जो एच है डिस्प्लेसमेंट वो कितना है, 490 है, कितना है, 490 है, बस समझ आ गए। तो हम क्या यहां से यहां तक आने का टाइम निकाल सकते हैं। और एक बात गौर करना कि जितने टाइम में ये ऊपर से नीचे आया है उतने ही टाइम में ये यहां से यहां भी आया है, तो ये जो टाइम है दोनों के लिए वो क्या है, सेम है, चाहे एक्स में एस डिस्टेंस मूव किया हो या वाई में 490 मीटर मूव किया हो, दोनों के लिए टाइम क्या है, सेम है। तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर, अच्छा एक्सेलेशन कितना हो जाएगा जी, 9.8, माइनस का 9.8 कितना हो जाएगा, 9.8। तो अब अगर यहाँ पर हम क्या लगा दें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, नहीं फर्स्ट इक्वेशन नहीं लगाएंगे चूंकि भी नहीं पता, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें तो क्या हो जाएगा, 490 मतलब एस इक्वल टू कहाँ से आ रहा है, ऊपर से, तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, कुछ ऐसा हो जाएगा, हमने साइन ऑफ कन्वेंशन के हिसाब से रखा है तो अब साइन नहीं रखना पड़ेगा। कितना हो गया, 490 इक्वल टू यू इज जीरो प्लस हाफ हाफ जी कितना है, 9.8, 9.8 इंटू टी स्क्वायर, इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इज हाउ मच आई डोंट नो। एक काम करो इसको 10 मान लो, 10 इंटू या 4.9 ही रहने दो, कितना है, 4.9.8, 9.8 चूंकि कैंसिल हो जाएगा ये दिख रहा है ऐसा, ठीक है, 9 इंटू टी स्क्वायर, 9.8 इंटू टी स्क्वायर, 9.8 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 4.9, ठीक है, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो एक्चुअली अंडर रूट 490 अपॉन 4.9, 4.9, तो पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 49 से 49 कैंसिल, दैट विल बिकम अंडर रूट 100, दैट इज 10 सेकेंड, कितना हो जाएगा, 10 सेकेंड, कितना हो जाएगा, 10 सेकेंड। तो ऊपर से नीचे आने में टाइम कितना लगा है, 10 सेकेंड लगा है, तो जाहिर सी बात है यहां से यहां आने में भी, यहां से यहां आने में भी क्या लगेगा, 10 सेकेंड लगेगा। अब मैं पूछ रहा हूं कि क्या वाई एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन है, नहीं है, क्योंकि सिर्फ वेलोसिटी है। वाई एक्सिस के अलोंग, सॉरी एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है, ठीक है, और वेलोसिटी कितना है, 100 मीटर, 100 मीटर पर सेकेंड है, 100 मीटर पर सेकेंड है। तो कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस कवर क्या है, इसको इतना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से ही देख लें तो क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी, सॉरी हाफ ए टी स्क्वायर, कहाँ है अब, एक्स के लॉन्ग है तो यू तो हमें पता है कितना, 100, टी कितना है, 10, ठीक है, प्लस हाफ कितना है, एक्सेलेरेशन कितना है, जीरो, दैट विल गिव यू व्हाट, 1000 मीटर, ठीक है ना, यानी कि 1 किलोमीटर, आंसर कितना है, 1 किलोमीटर, ठीक है ना। तो जब भी ऑब्जेक्ट जो है मूव करे किसमें, टू डायमेंशन में, ये देखो पहले क्या था, वन डायमेंशनल मोशन था, एक्स एक्सिस के लॉन्ग या ऐसे वाई एक्स एक्सिस के लॉन्ग या वाई एक्सिस के लॉन्ग, लेकिन इस बार क्या देखो, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, यानी मोशन इन प्लेन है, क्या है, मोशन इन प्लेन है, मोशन इन प्लेन है। तो जब भी ऐसा हो, मोशन इन प्लेन का केस मिले, मोशन इन प्लेन का केस मिले, उस कंडीशन में क्या करो, दो तरफ इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, एक बार एक्स के लॉन्ग एक बार वाई के लॉन्ग, ठीक है ना, क्योंकि एक साथ डील नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। ये था सॉल्यूशन, जरा मैं अपना सॉल्यूशन रब कर दूं ताकि तुम्हें ये दिखाई दे इन्होंने क्या किया है। क्या लिखा है जरा देखते हैं इसको, क्या क्या है, वी नो दैट हॉरिजॉन्टल मोशन एंड द वर्टिकल मोशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, है ना, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वी नो फॉर वर्टिकल मोशन वी हैव यू जीरो एच 490 एंड जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वट यू विल गेट,
490 इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 4.9 9.8 इंटू टी, तो यहाँ से क्या आ गया 10 सेकेंड, हमने भी ऐसा ही किया था। तो इट टेक्स 10 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, नाउ फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम कितना हो जाएगा, 100 इंटू 10, व्हाट यू विल गेट, 100 1000 मीटर, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 1000 मीटर। तो शेल विल स्ट्राइक द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द, सॉरी 1000 मीटर, यह गलत लिखा है इन्होंने, यहाँ 1000 गलत लिख दिया है मैंने, इन्होंने क्या मैंने लिखा है, ये क्या कर दिया है, गलत कर दिया है, यहाँ पर क्या होगा 1000 मीटर होगा फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू प्रोड्यूस नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, चूंकि रिटार्डेशन हो रहा है तो इसे कह दिया नेगेटिव एक्सेलरेशन, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, कार को लगा 2 सेकेंड स्टॉप होने में, है ना, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, समझ आई बात है कि नहीं। तो अब देखो, न इनिशियल वेलोसिटी है न फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, न इनिशियल वेलोसिटी है, हाँ फाइनल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0 है, लेकिन चाहे तुम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, इनिशियल वेलोसिटी की जरूरत जरूर पड़ेगी डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें अब u निकालना ही पड़ेगा, तो वो कहां से आ जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस at से, ठीक है ना। तो u तो है 0, v तो है 0, u पता नहीं, ये है -6 इंटू 2, वट यू विल गेट, u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसको पुट कर दो यहां पर, चूंकि टाइम गिवन है, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut, दैट इज हाउ मच, 12 इंटू टी, टी इज हाउ मच, 2 हाफ at स्क्वायर, मतलब -1/2 इंटू 6 इंटू 2 का स्क्वायर, इंटू 2 का स्क्वायर, एक 2 से 2 खत्म हो जाएगा, व्हाट यू विल गेट, 24 माइनस 12, दैट इज 12 मीटर, कितना डिस्टेंस कवर किया होगा इन्होंने, 12 मीटर डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखें, द कार विल मूव 12 मीटर बिफोर इट स्टॉप्स आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स, ठीक है। थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट टॉपिक।